हाउ आर यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ लैक्मे का शीट मास्क। ये है ब्लश एंड ग्लो शीट मास्क है गाइज। इसका फेयर रिव्यू लेकर के आई हूँ। इसको पहले मैं यूज़ करके बताऊँगी ये कैसा है और इसके रिजल्ट क्या क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अभी तो मैंने फुल मेकअप किया है और इसको मैं अपना पूरा फुल मेकअप निकालने के बाद इसको लगा करके बताऊंगी कि इसके रिजल्ट क्या हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं, इसका फेयर रिव्यू करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके बहुत सारी वोटिंग हुई है गाइज इसके लिए कि मैं लैक्मे का शीट मास्क लेकर के आऊँ। तो आज गाइज इतनी रिकमेंडेशन के साथ में मैं लेकर के आई हूँ ये शीट मास्क। तो चलिए चलते हैं गाइज। ये लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो शीट मास्क है। ये स्ट्रॉबेरी के प्योर एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है और ये काफ़ी अच्छा फेस पर ग्लो लेकर के आता है, ऐसा इसमें लिखा है। मैं देखती हूँ, अभी तो मेरा चेहरा मेकअप से ग्लो कर रहा है लेकिन बाद में देखते हैं ओरिजिनली इससे करता है क्या, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और इसमें लिखा है गाइज ये फ्रूटी लीशियस, मतलब जो डिलीशियस होता है वो वर्ड लिखा है, मतलब फ्रूटी लीशियस शीट मास्क है गाइज। गाइज वैसे भी हम गर्ल्स को ना स्ट्रॉबेरी बेहद पसंद है, खाने में भी और यूज़ करने में भी, क्योंकि मैं पहले भी स्ट्रॉबेरी का मास्क लेकर के आई हूँ, वो था नायका का गाइज, उसके इतने शानदार रिजल्ट थे और उसका मैं आपको वीडियो लिंक दे दूँगी, आप पहले जाकर के देख लीजिएगा कि उसके रिजल्ट कितने अच्छे हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और नीचे आई बटन पर भी आप प्रेस करके देख सकते हो मेरी वीडियो, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं गाइस। इसलिए ये भी फ्रूट शीट मास्क लिया है मैंने, ये ऑरेंज वाला या पपाया वाला नहीं लिया मैंने, यही वाला लिया है। तो देखते हैं, इसको मैं खोल करके ओपन करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने फेस का ये मेकअप रिमूव करूँगी। मेकअप रिमूव करने में मैं कॉटन पैड्स यूज़ करूँगी गाइस, ये बहुत अच्छे होते हैं, ये काफ़ी मोटे और वैसे हैं, तो ये मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज मैं यूज़ करूँगी गार्नियर का मिसेलर है, ये मिसेलर वाटर मेकअप रिमूवर है गाइस, गार्नियर का है। और इसका भी मैं फर्स्ट टाइम रिव्यू दे रही हूँ गाइज। इससे पहले मैं लोटस का यूज़ करती थी और नारियल के ऑयल से भी बहुत अच्छे से मेकअप रिमूव होता है, वैसलीन से भी बहुत अच्छे से आप मेकअप रिमूव कर सकते हो, लेकिन आज मैं दे रही हूँ गार्नियर का। इसका देखते हैं कैसे काम करता है। स्टार्टिंग में मैं लूँगी कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैं बिंदी हटा दूंगी। अब देखते हैं, हाँ बहुत अच्छे से इससे कितनी क्लीनिंग तरीके से हो रहा है गाइस, काफी अच्छे से, बहुत आराम से। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, गार्नियर का भी लोटस का भी बहुत अच्छा लगा मुझे ये, आज मैं फर्स्ट टाइम रिव्यू दे रही हूँ इसका, पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए आप इधर का देख सकते हो और इधर का देख सकते हो, बहुत आसानी से सारा मेकअप आईज का क्लीन हो गया है। ये मैंने काजल यूज़ किया था गाइस लैक्मे का, स्मॉच फ्री है वो, और आप देख सकते हैं इसने उसको भी हटा दिया कितने अच्छे से, काफी अच्छा है इसका। और इसका ये इस कॉटन पैड का ये फायदा होता है कि आप इसको सेकंड साइड से भी यूज कर सकते हो। मेरे जो मस्कारा लगा हुआ था वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, ये देखिए।
आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरा क्लीन हो गया है पूरा फेस। वन वाइप, वन छोटा सा कॉटन पैड है गाइज, उसमें पूरा दोनों साइड से आप देख सकते हो पूरा फुल मेकअप क्लीन हो गया है। अब गाइज मैं जा करके फेस क्लीन करके आऊंगी, मतलब फेस वॉश करूंगी। गाइज मैंने, आप देख सकते हैं, फेस एकदम क्लीन कर लिया है फेस वॉश से और कॉटन टॉवल से इसको सुखा करके अब मैं इसे यूज करूंगी। इसको मैंने अभी यहाँ से कट कर लिया है, यहाँ से साइड से ये ओपन करने के लिए दिया हुआ था, मैंने इसको हाथ से ही कट कर लिया है। इसकी खुशबू कितनी रिफ्रेशिंग है, वाओ, वाकई में इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने इतने सारे शीट मास्क यूज करे हैं गाइस, इसकी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। इसका जो सीरम है मैं इसको हल्का सा फेस पर लगा लूंगी। इसका साइज काफी अच्छा है गाइस, हाँ इसके देखने में ऐसा लग रहा है कि एकदम साइज बहुत अच्छा है इसका। मैं इसको लगाती हूँ, ये एकदम फिट है मेरे फेस पर, तो अभी ये फिट है गाइस। बाकी मुझे लगता है किसी का फेस अगर बड़ा होगा तो ये शायद उसको छोटा पड़ेगा, और आप इसका देख सकते हैं आईज का शेप भी, जैसे किसी की बड़ी आईज है तो ये छोटा पड़ेगा, उसे काफी आगे तक लग जाएगा, जैसे मेरे एकदम पूरा नीचे तक लग गया है। इसको अच्छे से लगा लूंगी मैं, थोड़ा सा छोटा है मेरे लिए भी, हल्का सा ये यहाँ तक नहीं आया है। इससे पहले भी मैंने शीट मास्क यूज किए हैं, वो थोड़ा सा बड़ा है, बड़े रहते हैं। ओ मेरी नोज भी थोड़ा सा, ये यहाँ तक तो होना चाहिए ना। तो गाइज मैंने ये लगा लिया है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। मैं इसका सीरम, सारा सीरम यूज कर लूंगी अच्छे से, हल्का सा इसको ऐसे लगा। तो गाइज इसको लगा करके इसको 15 से 20 मिनट आपको इसको फेस पर रखना है, तो 15-20 मिनट तक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं 15-20 मिनट बाद गाइज। तो गाइज 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, और 20 मिनट के बाद अब मैं देखती हूँ इसका रिजल्ट कैसा है, तो मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ। स्किन बहुत सॉफ्ट और ठंडी हो गई है, इसकी खुशबू पूरे रूम में इतनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है इसकी खुशबू, स्किन एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छी हो गई है। तो गाइज इसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, इससे स्किन काफी ग्लो कर रही है और काफी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे इसे लगा करके। तो ये था मेरा लैक्मे का आज का रिव्यू, और इसकी खुशबू, हर चीज़, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बिग थम्स अप है गाइस, आप 100% ले सकते हो, सेफ है एकदम, और खुशबू तो हम सब लेडीज़ को बहुत अच्छी लगती है स्ट्रॉबेरी की, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो और फेस पर रिजल्ट इतने अच्छे हो तो क्यों ना लिया जाए। तो गाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के इसको चेकआउट कर सकते हो। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी 100%। और ये रिकमेंडेड वीडियो थी गाइस, तो सभी के लिए, सबकी वोटिंग के हिसाब से सबको पसंद आई हो। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा गाइस, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, bye bye, take care.